हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल फिट फ्रेंड्स और मैं हूं देव और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो पे। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले 10 बेनिफिट ऑफ बीगल, यानी कि आप अगर बीगल डॉग रखते हैं तो आपको ये 10 बेनिफिट जरूर से बीगल डॉग के ऊपर मिलेंगे। तो वो लोग इस वीडियो के अंत तक देखना जिनके पास बीगल है या फिर लोन लेने वाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेनिफिट नंबर 1, ये डॉग उन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो एक लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड चाहते हैं। बीगल मोस्ट लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड के लिस्ट में आते हैं, इसलिए इनका जो खर्चा होता है महीने का वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है। तो इसके कारण वो जो लोग एक लो मेंटेनेंस डॉग चाहते हैं उनके लिए बीगल काफ़ी एक अच्छा डॉग है। बेनिफिट नंबर 2, ये डॉग उन सारे लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनके घर में बच्चे हैं। अगर आपके पास बच्चे तो बीगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा डॉग ब्रीड रहेगा। आप अगर बचपन से अपने बीगल के साथ अपने बच्चों को सोशलाइज करवाते हैं तो उनके साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे, अच्छे तरीके से खेलेंगे। आप अगर कभी बाहर वगैरह जाते हैं तो बिना कोई टेंशन के अपने अपने बीगल डॉग के साथ अपने बच्चों को रख सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, ये डॉग उन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो एक ऐसा डॉग चाहते हैं कि उनका अपना बाल वगैरह ना गिरे, उतने ग्रूमिंग वगैरह पे उतना खर्चा ना हो। तो बीगल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बीगल के जो कोट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कोट वाले डॉग ब्रीड होते हैं, और अगर हफ्ते में भी आप एक दो बार उनको ग्रूमिंग करवाते हैं तो उनका आराम से चल जाता है, और बस शेयरिंग के टाइम में थोड़ा बहुत आपको घर पर इधर उधर बाल दिखने को मिलेंगे। बेनिफिट नंबर 4, ये डॉग ब्रीड उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो एक स्मॉल साइज के अपार्टमेंट पे रहते हैं। आपके पास अगर 2 या फिर 3 बेड का घर है तो आप बीगल को काफ़ी इजीली रख सकते हैं, क्योंकि बीगल काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज के डॉग्स होते हैं। आपके पास अगर 2 या फिर 3 बेड का घर है तो आप इजीली इनको रख सकते हैं। बेनिफिट नंबर 5, जो एक ऐसा डॉग चाहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, उतना ज़्यादा बीमार ना पड़े, तो उनके लिए बीगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा डॉग रहेगा। आप अगर बीगल को सही तरीके से थोड़ा सा न्यूट्रिशन वाला खाना और अच्छे से केयर करते तो बीमार काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी डॉग होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़िंदगी में भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बेनिफिट नंबर 6, ये डॉग उन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा वो जो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं हफ्ते में 1-2 बार, क्योंकि ये डॉग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज के डॉग्स होते हैं, तो इसके कारण आप इजीली इनको कोई बस या फिर कोई स्मॉल कार में आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये डॉग जो ट्रैवल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे डॉग होते हैं बीगल। बेनिफिट नंबर 7, ये डॉग ब्रीड उन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनका जो है डॉग खरीदने का जो एवरेज बजट है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यानी कि बहुत से जो डॉग के प्राइस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 50,000-70,000 के ऊपर। पर बीगल आपको उतना ज़्यादा लो प्राइस में भी नहीं, उतना ज़्यादा हाई प्राइस में भी नहीं है, लेकिन मीडियम कॉस्ट में मेरे 35-30,000 के बीच में आपको ईजिली एक हेल्दी बीगल मिल जाएगा। बेनिफिट नंबर 8, ये डॉग उन से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो बाहर मिनिमम 10-12 घंटे काम करते हैं, क्योंकि 10-12 घंटे काम करने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील होता है। और आपके पास अगर एक बीगल डॉग है तो आपको जब आपका डॉग 12-13 घंटे बाद देखेगा उसका एक्साइटमेंट आपके साथ खेलना देखकर आपका कोई भी मतलब देखकर आपका पूरा जो टायर्डनेस है वो उसका नामो निशान मिट जाएगा। बेनिफिट नंबर 9, ये डॉग उन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो इजी टू ट्रेनेबल डॉग चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉग्स ऐसे रहते हैं जिनको ट्रेनिंग करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, जो खुद की बात ज़्यादा मानते हैं, जैसे कि चाओ चाओ के जैसे डॉग, इनको ट्रेनिंग करना थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि खुद की बात ज़्यादा मानते हैं। पर बीगल एक ईजी टू ट्रेन डॉग बोल रहा है, तो आप अगर एक ईजी टू ट्रेन डॉग चाहते हैं तो बीगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा डॉग रहेगा। बेनिफिट नंबर 10, ये डॉग उन सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनके पास कोई अदर्स पेट है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं बीगल डॉग लूँगा पर मेरे पास कुछ और पेट्स हैं, जैसे कि रैबिट या फिर कैट, कहीं उसके साथ उसकी दोस्ती बनेगी या फिर उसको मार के खा जाएगा,
तो ऐसा नहीं होगा, आप अगर बचपन से उनके साथ सोशलाइज करते हैं तो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आप अकेले बिना कोई टेंशन के उनको छोड़ सकते हैं घर पे, अगर आप कहीं बाहर वगैरह जाते हैं तो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास रहने वाले लेल बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए अगर चैनल पसंद आया है तो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।